नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपग्रेडेड MiG-29 के बारे में बात करेंगे। रशियन स्टेट मीडिया टास से बातचीत के दौरान रशियन मिलिट्री कॉपरेशन के चीफ ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स के 60 MiG-29 को 2022 तक MiG-29 UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के तरफ से हाल ही में राफेल अपग्रेडेड MiG-29 और Sukhoi-30 MKI के कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिनमें से इन सभी फाइटर जेट को ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास उड़ाया जा रहा था। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सभी फाइटर जेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रसिया के तरफ से 21 MiG-29 के परचेस को लेकर एक कॉमर्शियल ऑफर भी इंडिया को दिया गया है और साथ में 12 Sukhoi-30 MKI को भी खरीदने का प्लान इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है। ये 21 MiG-29s डिसेंबल्ड हैं और 1980 से वैसे ही पड़े हुए हैं। इनको UPG स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाएगा और इससे इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई फ्लीट में कुछ बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में इंडियन एयरफोर्स 66 MiG-29 को ऑपरेट करती है। मिकोयन MiG-29 एक ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे डिज़ाइन सोवियत यूनियन ने किया है। वहीं इसे मिकोनियन डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया था सन 1977 में। MiG-29 80 के दशक का एक एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट था, जिसे अमेरिका के F-15 ईगल को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया था। MiG-29 को 1982 में पहली बार सोवियत एयरफोर्स में शामिल किया गया था। वहीं भारतीय वायुसेना में इसे 1985 में शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक ये अपनी सर्विस दे रही है और अभी के समय में इंडियन एयरफोर्स 65 MiG-29 को ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 40 साल पुराने जेट को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। शुरुआत में भारत इनको लंबे समय तक ऑपरेट नहीं करने वाला था, लेकिन हमारे घरेलू फाइटर जेट्स प्रोग्राम जैसे तेजस और तेजस MK-1 में देरी हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की चिंता बढ़ गई और ऐसे में पुराने होते हुए MiG-29s को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। वहीं अगर MiG-29 UPG फाइटर जेट्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत से अपग्रेड किए गए हैं। अपग्रेड की बात करें तो MiG-29 UPG में नए एवियोनिक्स किट, नया फेजेट्रॉन का ज्यूक M रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन सिस्टम, न्यू ग्लास कॉकपिट, न्यू नेविगेशन सिस्टम, हेलमेट माउंटेड साइट, इंजन अपग्रेडेशन और मिड एयर रिफिलिंग जैसे और भी कई अपग्रेड्स किए गए हैं। इंडियन UPG वर्जन दुनिया के बेस्ट एडवांस्ड MiG-29 वेरिएंट है, यह कहना है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिग सैग्रे कास्त्रोव का। आइए इन सभी अपग्रेड्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। पहली अपग्रेड में रडार की बात करते हैं। MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन में फेजेट्रॉन का ज्यूक M रडार को लगाया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है पिछले सभी रडार से और 30 से 50 मीटर की दूरी में उड़ रहे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के बीच में ये अंतर कर सकता है। इसके डिटेक्शन रेंज की बात करें तो 5 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 120 किलोमीटर के रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। एक साथ 10 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और 4 को इंगेज कर सकता है। एयर टू ग्राउंड रोल में 25 किलोमीटर दूर टैंक को डिटेक्ट कर सकता है, 120 किलोमीटर दूर से ब्रिज को डिटेक्ट कर सकता है और 300 किलोमीटर दूर से एक बैटल शिप को डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल OLS सिस्टम को लगाया गया है, यानी ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम को लगाया गया है, जो मदद करता है शॉर्ट रेंज में टारगेट को इंगेज करने में। जनरली किसी भी डॉग फाइट में रडार से किसी भी फाइटर जेट्स को अगर सर्च किया जाए या लॉक किया जाए तो रडार वार्निंग रिसीवर के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट को इसका पता चल जाता है और वो इसे काउंटर करने के लिए मैन्यूवरिंग करने लगता है और ऐसे में OLS बहुत बड़ा रोल निभाता है। OLS द्वारा टारगेट को ट्रैक और लोकेट करने पर दुश्मन के फाइटर जेट्स को इसका पता नहीं चलता है और OLS की मदद से 55 किलोमीटर दूर टारगेट को डिटेक्ट किया जा सकता है। OLS तीन तरह के काम को करता है। पहला फॉरवर्ड लुकिंग सर्च एंड ट्रैक, दूसरा TV कैमरा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और तीसरा मल्टी मोड लेज़र रेंज फाइंडर, जिसका रेंज 20 किलोमीटर का होता है। ये ग्राउंड टारगेट को 20 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है
और सी टारगेट 40 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। कॉकपिट के अपग्रेड की बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट को लगाया गया है। यह पूरी तरह से ग्लास कॉकपिट तो नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें कुछ एनालॉग डिस्प्ले दिए गए हैं। मेनली यहाँ पर दो मल्टीफंक्शन डिस्प्ले सिस्टम को लगाया गया है। जो हेड अप डिस्प्ले है उसको नया लगाया गया है, साथ ही इसे हॉटाज कैपेबल बनाया गया है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो मेन कंट्रोल होगा वो मोस्टली थ्रॉटल के पास होगा या स्टिक पर होंगे। हॉटाज का फुल फॉर्म होता है हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक। बाकी इसमें नया मिशन कंप्यूटर लगाया हुआ है और जो नेविगेशन सिस्टम है वो फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन का सिग्मा 95 एंड नेविगेशन सिस्टम है, और सेम टाइप का नेविगेशन सिस्टम सुखोई 30 MKI में भी लगाया गया है। बाकी इसमें नया वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी दिया गया है और साथ में एक डिस्प्ले मैप जनरेटर को भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के बारे में बात करें तो इसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, जो D29EW सूट है। ये एक AESA बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सूट है और इंडिया में इस्तेमाल होने वाला सबसे एडवांस सूट है। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सूट में लेज़र वार्निंग रिसीवर, रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सूट इन सभी डाटा को मेन कंप्यूटर में लगातार भेजता रहता है और उसी के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता ये हमारे पायलट को प्रदान करता है। इसके ऑपरेशनल रेंज को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब भी दिया गया है, जो कि रिट्रैकेबल है, यानी रिफ्यूलिंग के समय बाहर आता है वैसे हमेशा अंदर रहता है। इसके इंजन को चेंज करके RD-33 के थर्ड सीरीज़ का इंजन इसमें लगाया गया है। इससे इसके इंजन के पावर में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन इसके मेंटेनेंस साइकिल बढ़ गई है और ज़्यादा लंबे समय तक इसकी लाइफ साइकिल भी हो गई है। इसके इंजन में स्मोक की जो समस्या थी इस इंजन के अपग्रेड होने के बाद थोड़ी सी कम हुई है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम की बात करें तो इसमें रशियन सिचेल 3UM हेलमेट माउंटेड साइट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके सेंसर्स को अलग से हेलमेट पर लगाया जा सकता है। सेम टाइप के हेलमेट का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में भी किया जाता है। वेपनरी की बात करें तो ये मॉडर्न रशियन मिसाइल्स और बॉम्ब को फायर कर सकता है। भारत के अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 को इनमें इंटीग्रेट किया जा सकता है और भविष्य में ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को भी इसमें इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।